कॉलेज आगरा की एनसीसी विंग के कंपनी कमांडर डॉक्टर अमित अग्रवाल के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान और भारत के बीच 3 मई को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था और भारत के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए 26 जुलाई को पाकिस्तान की सेना को LOC कारगिल से खदेड़ दिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। देश के जवानों ने कारगिल पर विजय पताका फहराया। आगरा कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने जवानों के शौर्य और वीरता को सलाम किया, साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर कैडेट्स ने देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। एनसीसी कंपनी कमांडर डॉक्टर अमित अग्रवाल ने एनसीसी कैडेट्स और देशवासियों को विजय दिवस की बधाई देने के साथ एनसीसी कैडेट्स को देश पर न्यौछावर होने के प्रति जागरूक किया। आज कारगिल युद्ध को पूर्ण हुए 25 वर्ष हो गए। कारगिल युद्ध की विजय को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और यह हमारे उस विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, रजत जयंती है। 1999 को भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो कारगिल सेक्टर है उसमें कुछ पाकिस्तानियों ने और कुछ घुसपैठियों ने चुपचाप उस कारगिल क्षेत्र की चोटी पर उन्होंने कब्जा किया अवैध रूप से, और जैसे ही हमारे देश के सैनिकों को इसका पता लगा तो एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश की वायुसेना, हमारे देश की सेना ने इन घुसपैठियों को, इन पाकिस्तानी सैनिकों को उनको खदेड़कर, उनको मारकर अपने देश से बाहर किया और एक बहुत ज़बरदस्त जीत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हासिल करी। इस युद्ध में हमारे अनेक सैनिक बलिदान हुए, उन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान 1999 के कारगिल युद्ध में दिया। आज इस 25वीं कारगिल विजय दिवस पर हम सभी आगरा कॉलेज NCC आर्मी विंग के कैडेट्स यहाँ एकत्रित होकर उन सभी शहीदों को हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देश की जो अपनी सुरक्षा पंक्तियाँ हैं, हमारी जो सेना है, हमारी जो वायुसेना है, इनके जो बलिदान है उस सर्वोच्च बलिदान को आज हम लोग यहाँ सलाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब ये लोग हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर सजग होकर प्रहरी के रूप में हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं तभी हम चैन से अपने घरों में सो पा रहे हैं, तभी हम चैन से अपने घरों में रह पा रहे हैं। आज हम इन सभी सैनिकों को, इन बलिदानियों को अपने हृदय तल की गहराइयों से सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद। माय नेम इज कैडेट आलोक सिंह। आज आगरा कॉलेज में प्रिंसिपल के द्वारा कार्यक्रम में क्या कुछ कार्यक्रम है? आज कारगिल विजय दिवस है एंड आई कैन से कारगिल वॉर ऑफ 1999 इज अ रिमार्केबल वॉर एंड ऑल दैट वाज अ टफ टाइम बट इट वाज आवर सोल्जर्स हु नेवर गिव अप। कारगिल का जो युद्ध था वो काफ़ी मुश्किल घड़ियों में लड़ा गया था जिसमें कि हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपना शौर्य का परिचय देते हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और यही रीज़न है कि आज हम कारगिल की जो कुछ पोस्ट हैं उनको एक्वायर कर चुके हैं। और आई कैन प्राउडली से डैट माई फादर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल 14,083 किलोमीटर में फैला हुआ एक मैदानी क्षेत्र है। कारगिल बना जो शब्द है वो कार और आर्किल शब्द को मिलाकर बना गया है जिसका मतलब है महलों का केंद्र, और यही कारगिल आज हमारी इंडियन टेरिटरी में है और उसकी जो वजह है वो है हमारे भारतीय सैनिक। अगर हमारे भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान ना दिया होता तो शायद कारगिल नाम की जगह हमारे देश में कहीं सम्मिलित ही ना होती। तो आज उसी के विजय दिवस को लेके हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है जहाँ पर हमारे साथ हमारे कंपनी कमांडर ANO सर अमित अग्रवाल जी उपस्थित हैं और काफ़ी सारे कैडेट्स भी हैं।